टी20 वर्ल्ड कप को लेकर खबरों का बाजार गर्म है और टी20 वर्ल्ड कप में सभी टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया तो कुछ टीमों के स्क्वाड का अभी नाम आना बाकी है। लेकिन अगर नेपाल की टीम की बात करें तो नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर ली है और टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल यूएसए में अपने जो कहते हैं कि प्रैक्टिस है वो उसको भी कर रहे हैं। अगर बात करें नेपाल क्रिकेट की तो नेपाल के खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप से पहले बड़ी खुशी मिली है क्योंकि आईसीसी एशिया क्रिकेट ने एक ट्वीट जारी करके बताया कि उनके मेंबर ऑफ काउंसिल्स ने मिलकर जो कहते हैं कि नेपाल ने जो क्वालिफाई किया था ना टी20 वर्ल्ड कप के लिए उसके फाइनल में नेपाल और ओमान पहुंची थी तो ऐसे में नेपाल के टीम के लिए जो प्राइज मनी का अमाउंट था वो जारी कर दिया है। आपको बताते हैं वर्ल्ड कप से पहले नेपाल के खिलाड़ियों को मिलने वाली है मोटी धनराशि। अगर बात करें इस पैसे को यानी कि कितनी प्राइज मनी है जो नेपाल की टीम को मिल रही है उसके बारे में आपको बताते हैं तो आपको बता दें कि नेपाल की टीम को नेपाली रुपीज में 2,97,00,000 जो कहते हैं ना कि 2,97,00,000 ये पूरी टीम और टीम मैनेजमेंट के लिए ये अमाउंट जारी हुआ है। और इसमें अगर एक जो प्लेयर जिन्होंने आईसीसी जो कहते हैं कि जो मेंस जो इनका आईसीसी एशिया मेंस का जो फाइनल था उसमें जो प्लेयर जिन्होंने नेपाल की टीम के लिए पार्टिसिपेट किया था उनके प्रत्येक खिलाड़ी को मतलब हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को 13,00,000 रुपए मिल रहे हैं। ये है नेपाली रुपीज़। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इंडियन रुपीज़ में ये होते हैं 8,12,714। तो ऐसे में नेपाल के क्रिकेट के लिए ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों का जो कहते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पर या थोड़ा जो कहते हैं कि पहले वर्ल्ड कप में आप जा गए हो उसमें आपको इस तरीके से प्राइज मनी मिलती है एप्रिसिएशन के तौर पे इसको देखा जाता है और नेपाल क्रिकेट के लिए या नेपाल खिलाड़ियों के लिए भी ये काफ़ी शानदार है। अगर बात करें जो जिस आईसीसी मेंस जो टी20 थी एशिया की एशिया क्वालिफिकेशन को लेके जो थी उसमें नेपाल की टीम ने काफ़ी बढ़िया खेला था। फाइनल में ओमान से उनको हार का सामना करना पड़ा था लेकिन पूरी की पूरी नेपाल की टीम जो है उनका प्रदर्शन अच्छा है। इमर्जिंग क्रिकेट को देखे बात करें तो नेपाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हाल में जो वेस्टइंडीज की सीरीज थी वहाँ भी नेपाल की टीम ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान रोहित का वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक आया था और टी20 वर्ल्ड कप में भी जो कहते हैं ना कि पूरी दमखम के साथ नेपाल की टीम यूएसए के लिए रवाना हुई है। और जो बात करें अगर टी20 स्क्वाड की तो नेपाल की जो टी20 स्क्वाड है वो इस तरीके से है। कप्तान रोहित पौडेल, आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, कुशल भुर्तल, कुशल माला, दीपेंद्र सिंगरी, ललित राजवंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, संदीप जोरा, अविनाश बोरा, सागर ढक्कल, कमल सिंगरी। तो ये जो है वो नेपाल की टी20 वर्ल्ड कप इसका जो कहते हैं स्क्वाड है। ऐसे में बड़े नाम भी हैं, दीपेंद्र सिंगरी हो गए आपके आसिफ शेख हैं, कप्तान रोहित हैं, करण केसी है, ये बॉलिंग और बैटिंग मिला के देखिए शानदार खिलाड़ी है। और वर्ल्ड कप में भी नेपाल की टीम से उम्मीद है कि वो अपना जो प्रदर्शन दिखाते हुए आ रही हैं वो दिखाए। बस थोड़ी सी नेपाल की टीम को जो कहते हैं ना ये डिसअपॉइंट करती है कि फाइनल्स में जो होता है ना कि जो आपके सेमीफाइनल फाइनल में टीम थोड़ा चौक कर रही है लेकिन वर्ल्ड कप में उम्मीद है कि अपने प्रदर्शन से ये दिल जीते। अगर वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम के शेड्यूल की बात करें तो आपको बता दें नेपाल की टीम का पहला जो मुकाबला होगा वो 4 जून के नीदरलैंड के खिलाफ होगा। उसके बाद नेपाल की टीम श्रीलंका से भिड़ेगी, 12 जून को ये मुकाबला है। उसके बाद नेपाल की टीम का जो तीसरा मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका से है, 15 जून को। और नेपाल की टीम को जो चौथा मुकाबला खेलना है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, 17 जून को। तो ऐसे में बात करें इन टीमों के खिलाफ तो नेपाल की टीम देखिए आप जो कहते हैं श्रीलंका को मात दे सकती है, दमखम है भाई, जब वेस्टइंडीज को हरा सकती है टीम तो ऑब्वियस है कि भाई आपकी नेपाल श्रीलंका को भी मात दे सकती है। आपके लिए नीदरलैंड्स देखिए अपने आप में नीदरलैंड को भी हराया है भाई और बांग्लादेश की टीम को भी टक्कर दे सकती है। साउथ अफ्रीका थोड़ी बड़ी टीम होती है लेकिन भाई दमखम है इस टीम में है और इनके जो कप्तान है वो खुद के बल्ले से करते हैं, दीपेंद्र सिंह अरी जो है वो ऑलराउंडर शानदार है तो टीम से बहुत उम्मीद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या नेपाल की टीम इस टी20 वर्ल्ड कप में कमाल दिखा पाती है या नहीं।